हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सोनाली एंड आज का ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी यहाँ पे जो कि मेरा घर के पास में है वीडियो अपलोड करने के लिए। अभी शाम हो रहा है और मैं ब्लॉग को कल तक कंटिन्यू रखूंगी। एंड दिन में ना बहुत ज़्यादा धूप रहता है, पूरा बहुत ज़्यादा तेज। और यहाँ पे जैसे कि आप सबको पहले ही बताई हूँ कि हम लोग का यहाँ पत्थर एरिया है तो बहुत ज़्यादा सेकता है और इसलिए हम यहाँ पे नहीं आ पाते दिन में। तो एक तो सुबह आओ या फिर शाम को आओ, तो हम शाम को आए हैं और अभी बैर डूब चुका है एंड अभी वही छः साढ़े छः से हो रहा होगा। तो आपको तो पता है गर्मी सीजन में जल्दी नहीं होता है, मतलब शाम जल्दी नहीं होता है। सो अभी ठंड लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा हवा भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। एंड वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, यानी कि हम लोग का घर जाऊँगी एंड वीडियो को कल तक कंटिन्यू रखूँगी। सो फ्रेंड्स, ऐसे है, नेटवर्क होता ही नहीं है नीचे, मतलब ये अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हो तो नेटवर्क है ठीक, थोड़ा लगता है टाइम, लेकिन यहाँ पे आने से ना बहुत जल्दी जल्दी फर्स्ट हो जाता है अपलोड जो भी करना रहता है वो। तो हाथी सब तो अभी तक गए नहीं है, पता नहीं इस बार बहुत ही बार बार आ रहे हैं और बहुत जन का घर वगैरह ये सब तोड़ा है बहुत जन का। तो आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ, ठीक है। अभी शाम का नज़ारा इस प्रकार है, नीचे हम लोग का घर है, वहाँ पे गाड़ी दिख रहा होगा। यहाँ पे पेड़ छेक दिया है, नहीं तो यही पास अच्छा से क्लियर दिख जाता। और यहाँ पे रोड है, दिख रहे हो ना, बहुत ही अच्छा व्यू है। लेकिन और हाथी सब उस कोने में रहते हैं, वो लोग उधर से इधर आते हैं या फिर एक तो उधर जाएंगे, नहीं तो पहाड़ के उस साइड भी गांव वगैरह है तो उधर भी जाते हैं। इस तरह से है और चारों तरफ जंगल ही है, पहले भी दिखाई थी, अभी फिर से दिखा देती हूँ। तो यह है पानी और यहाँ पे खाना डाल दिए हैं, चलो निकलते हैं, लेट हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एंड मैं आई हूँ महुआ पेड़ के पास हम लोग का। और ये पेड़ जो है ना जंगल के साइड में है और थोड़ा दूर ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्ता वगैरह गिरे हुए हैं, साफ़ किए नहीं हैं, तभी पत्ता सब इकट्ठा करेंगे और जलाएंगे। एंड जो खाना था वो पापा के लिए लाई हूँ और इतना ज़्यादा गिरा नहीं है, एक दो ऐसे करके गिरे हैं। ये है, छोटा सा है और इस बार मतलब टाइमली नहीं गिरा महुआ, बहुत ही लेट हुआ और अभी तो ख़त्म हो रहा है और पता भी नहीं चला हम लोग को, देखने भी नहीं आ रहे थे। अभी कोई भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, पता नहीं कैसे इस साल। तो फ्रेंड्स, मैं महुआ बेचने के बाद अभी मैं रेडी हुई हूँ मार्केट जाने के लिए। और वहाँ से आने के बाद आज है फादर लोग का पर्व, तो उधर जाएंगे, डांस के लिए दिए हैं, प्रवेश वगैरह है तो उनको वेलकम करेंगे। तो अभी चलो मार्केट जाते हैं एंड आज बहुत धूप है, पूरा डेंजरस धूप और इतना ज़्यादा धूप है कि क्या बोले। और सच में इस बार महुआ जो है ना इतना लेट में गिरा और बहुत ही काम गिर रहा है इस बार, पता नहीं आप सबका तरफ कैसा हो रहा है लेकिन हम लोग का तरफ बहुत ही काम गिर रहा है, कम हुआ भी है। तो चलो निकलते हैं, लेट हो रहा है। मुझे ना आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आज, क्या अभी मतलब ये दिन इस दिन कितना दिन हो रहा है ना हम लोग महुआ बीच रहे हैं थोड़ा रेगुलरली, तो धूप धूप में रहने की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा इतना सेकता है बीचने के टाइम में भी, फिर आओगे जाओगे ये तो है ही, पता नहीं कब ख़त्म होगा। जो तो मैं बहुत लेट से जा रही हूँ, अभी 12 बजने वाला है, बहुत कोई तो मार्केट से आ भी रहे पर मैं अभी जा रही हूँ। तो
आगे हूँ मार्केट से और क्या क्या लाई हूँ आप सबों को दिखाती हूँ। मैं ना मार्केट में ब्लॉग नहीं की क्योंकि इतनी गर्मी थी और पूरा बहुत मुश्किल से हम ये खरीदे सब्जी वगैरह और लाए। अभी बज रहे हैं 1:45 एंड हम सबों को जाना है चर्च 4 बजे क्योंकि हम लोग का पाली है गाना चलाने के लिए, तो हम लोग को जल्दी जाना होगा पहले से ही, इसके लिए रेडी होंगे। एंड चलो अभी दिखाते हैं क्या क्या लाए हैं। ओके तो ये रही, हम दो रुमाल लाए हैं। एक्चुअली ना मेरे पास बहुत ही है लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ है, खोजने से भी नहीं मिलता है, तो ये दो लाई हूँ। और ये मम्मी का ब्लाउज़ है जो कि पिंक कलर में है। मम्मी घर पे ही थी, मार्केट नहीं गई थी क्योंकि उनका तबीयत खराब रहता है ना धूप में, वो नहीं सकेगी ज़्यादा देर रहने के लिए, इसलिए मैं गई थी। मैं और पापा को बोली चलो बोल के, तो पापा अभी गए थे मेरे साथ। ये रही ब्लाउज, सिंपल है पूरा, डिज़ाइन वाला भी था लेकिन मुझे लगता है उसका रेट थोड़ा ज़्यादा था, सिंपल ही लाई हूँ। मम्मी चाहे ये तो यहाँ पे बॉर्डर वगैरह दे सकती है, देखो तो। और मम्मी का चूड़ी का नापी लेके गए थे, ये रही 60 रुपीस लिया इसका, 60, देखो तो ठीक है। पसंद आया कि नहीं? ये पसंद है, पहन के देखो ना, ठीक है, ठीक होगा। नहीं पहना ना कैसे दिखेगा, पर्व के दिन पहनना। और ये ब्लाउज को देखो हो रहा है कि नहीं, मेरे लिए एक यारी लेके आई हूँ पर्व के नाम में, चूड़ी खरीदूंगी सोच रही थी लेकिन नहीं खरीदी, पुराना वाला पहनूंगी। ये क्यूट सा है, कैसा है माँ, ठीक है कि नहीं? पहन के देखेंगे अब इसको कैसा लगेगा, इसको फॉलिंग कर इसको। पास्ता बुढ़ा साग है 10 रुपया का। मम्मी के लिए चना, लो मम्मी आपका, वो लड़की ला देगी तो ठीक हुआ। ये मीठा है और समोसा, और ये हमारे लिए मंचूरियन चाउमीन। एक दिन में लाइएगा तो फ्रिज में डालो, हम ये बाजार ये क्या पर्व के लिए भी लाए हैं चिकन को। और भेंडी मुझे बहुत दिन से खाने का मन था सच में। इधर है पाव 15 रुपया, तो 20 का लाई हूँ, थोड़ा ही लाई हूँ। और बरबटी और दाल सब लाई हूँ, बस इतना ही है। दाल और बैंगन लाई हूँ, मम्मी को पता नहीं अब गाली देगी, बैंगन लाई हूँ बोलूँगी तो ही, खाते नहीं है लेकिन मुझे पसंद है तो लाई हूँ। अभी डांट मिलेगा, डांट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है ना खजूर इतवार दिन का है और मैं डाल नहीं पाई थी, सो आप लोग देख लो कैसे मनाए हम लोग। Hey!
Thank you.
फिर जा।